दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम एमएस वर्ड का यूज करके मात्र 5 मिनट में एक अट्रैक्टिव और डिजाइनिंग आईडी कार्ड बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एमएस वर्ड ओपन कर लेना, इंसर्ट में जाके आपको शेप इंसर्ट करना, चौकोर या रेक्टेंगल शेप आप जिसको बोलते हैं वो आपको इंसर्ट कर लेना है। इस तरीके से आपका शेप इंसर्ट हो जाएगा ड्रैग करके, और इसकी आप साइज मैनुअली चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको इसको लैंडस्केप में बनाना है आईडी कार्ड को, या फिर पोर्ट्रेट में बनाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों। तो ये आप माउस का यूज करके ड्रैग करके भी कर सकते हैं, या फिर इधर लेफ्ट साइड में जाके हाइट या विड्थ में जाके मैनुअली साइज भी फिक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो स्टैंडर्ड साइज होती है वो होती है 2.5 × 3.5, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग साइज सेट कर सकते हैं कि किस साइज में हमें आईडी कार्ड बनाना है। फिर आपको सेप पे जाना, और सेप फॉर्मेट में जाओगे तो यहाँ पे अलग अलग आप उसके अंदर कलर चेंज कर सकते हो, पिक्चर लगा सकते हो, या फिर पहले से बने हुए वाटरमार्क भी इसमें यूज कर सकते हो। तो ये कौन सी डिजाइन आपको पसंद आती है, कौन सा कलर आपको पसंद आता है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ से कलरफिल कर सकते हो। इस वीडियो में हम पूरे जो आईडी कार्ड बनाएंगे पूरा शेप्स का यूज करके ही बनाएंगे। यानी अगर दूसरा शेप इसमें इंसर्ट करना तो कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, तो इस तरीके से सेम एज इट इज दूसरा शेप हमारे सामने इंसर्ट हो जाएगा। और इसको हम रिसाइज करेंगे, यानी जो हेडिंग का कलर हमें अलग रखना है, इसके लिए हमने दूसरा शेप इंसर्ट किया कंट्रोल डी का यूज करके, या फिर आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, और इसको ड्रैग करके इसकी साइज जो है हमने कम कर दी। और इसके राइट क्लिक करके जाके एडिट पॉइंट पे जाएंगे तो इसके देखो इस तरीके से एरोस दिखेंगे, वहां से आप इसको ड्रैग करके इसकी साइज जो है इसके कॉर्नर को आप मूव कर सकते हो, जिससे इसकी डिजाइन जो है और भी अट्रैक्टिव हो जाएगी। यानी सीधी लाइन थी उसको ड्रैग करके डिजाइनिंग बना दिया, और उस डिजाइनिंग वाले एरिया जो दूसरा शेप हमने कॉपी किया था उस शेप का कलर हम अलग से चेंज कर देंगे। वही शेप आउटलाइन में जाएंगे, अलग अलग कलर मिलेंगे, वहां से आप कलर चेंज कर सकते हो, या फिर इस शेप के अंदर कोई वाटर मार्क या पिक्चर भी लगानी हो तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो इस तरीके से हमने दो शेप इंसर्ट किए हैं, इन दोनों शेप का यूज करके आप देख रहे हो इस तरीके से हमारे सामने डिजाइन बनके तैयार हो चुकी है। और किसी भी डिजाइन को आप अलग से शेप दे सकते हैं, यानी उस पर राइट क्लिक करके एडिट पॉइंट पे जाएंगे तो इस तरीके से एरो आएगा, उसको आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन चेंज कर सकते हैं। साथ ही कलर चेंज करना हो तो आपको शेप आउटलाइन में जाना, कलर कोई सा भी आप सेलेक्ट करके इसके अंदर अपडेट कर सकते हैं। तो ये अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है कि कौन से शेप को किस तरीके से डिजाइन देना, किस तरीके से घुमाना है, या फिर उसके अंदर कौन सा कलर या वाटर मार्क हमें देना है, तो वो हम यहाँ से मैनुअली सेट कर सकते हैं। या अपनी पसंद का कोई कलर मिक्स करके बनाना हो तो वो भी आप शेप आउटलाइन में जाके यहाँ से मैनुअली कलर एडिट या फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका बैकग्राउंड या एक फॉर्मेट जो है आईडी कार्ड का वो रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इसके अंदर नेक्स्ट कोई लोगो या कोई ना कोई एक ऐसा चीज लेना है जिस कंपनी, जिस ऑफिस, जिस एसेट का या किसी चीज का आपको आईडी कार्ड बना रहे हो, स्कूल कॉलेज का, तो उसका कोई ना कोई लोगो होता है जिससे कि उसका देखते ही पता चल जाए कि किस स्कूल या ऑफिस का आईडी कार्ड है। तो उसके लिए आपको इंसर्ट में जाके दोबारा से राउंड वाला शेप इंसर्ट करना है, और शेप वाले फॉर्मेट में जाके उसी तरीके से आपको क्या करना है, फिल पिक्चर, यानी सेव फिल में जाओगे तो यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन आएगा, और पिक्चर के अंदर आप अपनी गैलरी या अपने कंप्यूटर में जहाँ पे आपने इसका लोगो ले रखा हो कंपनी या स्कूल कॉलेज का, फॉर एग्जांपल मैं इसमें मेरे यूट्यूब चैनल का लोगो ले लेता हूँ, तो इस तरीके से आप इसके अंदर आप अपने चैनल या स्कूल या फिर जो भी ऑफिस आई डी कार्ड बना रहे हैं उसका आप लोगो यहाँ पे शेप में जाके पिक्चर में जाके लोगो इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका लोगो इंसर्ट हो गया। उसके बाद क्या करना, आप जिस भी स्कूल कॉलेज या फिर ऑफिस का आईडी कार्ड बना रहे हो उसका आपको हेडिंग लिखना है, और हेडिंग में क्या होता है दोस्तों, उस कंपनी या ऑफिस स्कूल का नेम आएगा, एड्रेस आएगा, तो उससे क्या होगा आपका हेडिंग कवर कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए इंसर्ट में जाके एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, वहां पे आपको डिटेल फिल कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल जो भी स्कूल कॉलेज नेम है उसका एड्रेस है वो आपको मैनुअली टाइप कर देना है, वो इस तरीके से टाइप होगा। और टेक्स्ट बुक में सारी इन्फॉर्मेशन सही से टाइप करने के बाद आपको इसको टेक्स्ट बुक का बैकग्राउंड हटा देना जिससे ये सही से मैच हो जाए, और शेप में जाके आपको यहाँ पे नो फिल पे क्लिक करना तो बैकग्राउंड हट जाएगा और पहले के जो शेप बने हुए हैं उसी में ये मैच खा जाएगा। इस तरीके से आप इसको फॉन्ट चेंज करके, इसका कलर चेंज करके ऊपर ड्रैग कर दोगे तो आपका सेट हो जाएगा। उसके बाद आपको वापस इंसर्ट शेप में जाना, एक चौकोर या रेक्टेंगल शेप इंसर्ट करना, वहां पे आपको सेव फिल में जाना और वापस से पिक्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे अपने कैंडिडेट की फोटो ऐड कर देनी है। यानी जिस भी कैंडिडेट का आप आईडी कार्ड बना रहे हो उसके एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पे ऐड करनी होती है जिससे कि वो उसके अंदर मेंशन हो सके कि किस कैंडिडेट का ये आईडी कार्ड है। तो यहाँ पे आपने इसी तरीके से शेप के अंदर फोटो इंसर्ट कर दी, और फोटो इंसर्ट करने के बाद आप इस फोटो को मूव या इसकी साइज आप चेंज कर सकते हो क्रॉप करके, या फिर इसके कॉर्नर से इसका बॉर्डर हटा सकते हो, या अलग इसके अंदर बॉर्डर भी दे सकते हो, वही आपको शेप्स या फॉर्मेट वाला ऑप्शन यूज करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको एक फिर से टेक्स्ट इंसर्ट करना है, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, वहां पे आपको जो कैंडिडेट है उसकी डिटेल फिल करनी है, यानी जो कैंडिडेट है उसका नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय कोड या स्टूडेंट कोड जो भी है
जिस फील्ड या ऑफिस या स्कूल का बना रहे हो वो वहाँ की डिटेल आप यहाँ पे नॉर्मली टाइप कर दोगे। और टाइप करने के बाद इस टेक्स्ट बुक का जो बैकग्राउंड है वो आपको हटा देना है, और वो वही उसी तरीके से हटाएंगे जिस तरीके से हमने अभी ऊपर हेडिंग का बैकग्राउंड हटाया था। इसके लिए आपको सेव पे क्लिक करना है और सेव फिल में जाओगे और यहाँ पे नो फिल कर दोगे, तो यहाँ से आपका बैकग्राउंड जो है रिमूव हो जाएगा और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले के सेप के बैकग्राउंड में मैच खा जाएगी। तो इस तरीके से लगभग लगभग आपका आईडी कार्ड एक तरीके से तैयार हो गया, और हमने केवल सेप्स का यूज करके इसके अंदर आईडी कार्ड बनाया दोस्तों, जिसके अंदर आप अट्रैक्टिव और अलग अलग सेप यूज करके और भी अपनी मैनुअल डिजाइन सेट कर सकते हो। अगर आपको कैसे सेट करनी है कोई क्यूरी है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हर एक कैंडिडेट फटाफट अपना कार्य कंप्लीट कर सके, उसको मार्केट के चक्कर ना लगाने पड़े। और इसको आप इजीली इस तरीके से सेव करके पीडीएफ फाइल बना सकते हो, मेल पे लेके या फिर प्रिंटिंग दुकान पे जाके इसको अपने वीसी कार्ड या किसी भी प्रिंटिंग पेपर पे आप इसको प्रिंट आउट निकाल के फटाफट आप इसका यूज कर सकते हो। तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।